नाउ वो जो है इसका भाई है और उसके फ्रेंड्स हैं वो सेंट्रल जेल में है लुधियाना में। तो उस टीम, हाँ खुंदक, उस टीम में मतलब रजिंदर और गुरपिंदर दोनों ही मेरे गनमैन हैं, तो वो दे वर एक्टिवली इनटू दैट टीम जब हमने राउंड अप किया है। तो वो उस बात की भी खुंदक है। दूसरी थी कि उस जगह के ऊपर पहले पुलिस वहाँ पे रहती नहीं थी, तो इनकी जो अच्छी बुरी एक्टिविटीज़ जो भी करते थे ये, तो वो चलता था इनका काम। बिकॉज जो इसके फादर हैं करनैल हैं, करनैल सिंह, तो ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ड्रग्स वगैरह के अंदर। तो वो चीज़ का भी खतरा उनको है प्रॉब्लम था कि पुलिस आ गई है यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा आना जाना, हमारे पास जो भी बंदे आते हैं तो उनको एट ईज हो जाएगा। तो क्या बदला लेने के लिए इन्होंने ये किया है हाँ जी, अभी तक तो यही बात सामने आ रही है जी कि पुलिस से बदला हाँ, लेने बदला लेने के लिए उन मन में होगी बात। पुलिस के लिए? अब हाँ जी, हाँ जी, पुलिस के एंटी पुलिस एलिमेंट्स सॉर्ट ऑफ। हाँ कौन सी जी, धारा में इनका पर्चा है? इनका हमने जी दिया है 307, 277, 328, 18651 एंड 120B ऑफ IPC। इसके अंदर 8 तारीख को जब हमारे यहाँ पे मेरा गनमैन है कांस्टेबल गुरपिंदर, वो ड्यूटी ऑफ करके अपने क्वारंटीन सेंटर में गया। वहाँ पे उसकी ड्यूटी है उस क्वारंटीन सेंटर की देखभाल करने की। तो वहाँ पे गया तो जब उसने पानी पीने के लिए लेने लगा तो उसको ही रियलाइज़ कि पानी के अंदर कुछ स्मेल आ रही है, कि कुछ ना कुछ फरनैल या कुछ ऐड ऑन किया हुआ है। तो उसके बाद जब उसने हमारे ध्यान में लाया तो ड्यूटी ऑफिसर AS राधेश्याम यहाँ से गए, तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि किसी ने जानबूझकर उनको नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ जहरीला पदार्थ टैंकी के अंदर ही डाल दिया, कि जब जब भी कोई पुलिस कर्मचारी आकर पानी पिए तो उसको नुकसान पहुँचे। तो इस मामले के अंदर हमने FIR तुरंत रजिस्टर की और इसके अंदर 3 एक्यूज़ हमने राउंड अप किए। जो एक्यूज़ हैं वो नितिका, गौरव और सिमरन, वो तीनों इम्परसोनेट कर रहे थे कि वो किन्नर हैं, लेकिन जब उनका मेडिकल करवाया गया तो वो मेल हैं, डॉक्टर्स के बोर्ड की तरफ से मेडिकल किया गया था, तो उसमें क्लियर आया है कि दे आर हैविंग मेल जेनिटल्स एंड दे आर मेल। तो मतलब ये मामला था। और इसका जो रीज़न है वो बेसिकली ये है कि एक तो इसका जो गुनिया का भाई है नितिका का, उसको हमने 2019 में राउंड अप किया था। वो सेंट्रल जेल में है, उसके ऊपर काफ़ी क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, इसके फादर भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और दूसरा है कि जब पुलिस जब से वहाँ पे रह रही है, ये 2-3 कमरे छोड़ के वहाँ पे रहता था, तो इनका जो भी गलत कामों में ये इन्वॉल्व हैं वो इनका काम ठप सा हो गया है। पुलिस के डर से वहाँ पे आवाजाही कम हो गई है, जो शरारती आंसर है उनकी, तो इन चीज़ों को या उसकी शरारत बोल लो या बदले की भावना बोल लो, तो उसने ऐसे पुलिस कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। काफ़ी बचत रह गई है, इसलिए केस हैज़ बिन रजिस्टर्ड, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कौन सी दफा लगा के इनको? इनके ऊपर 307, 307, 277, 328, 186, 511 और 120 BIPC में हमने FIR रजिस्टर की है। ये पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं ये तीनों? इनका हम पता करवा रहे हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अदरवाइज इनकी फैमिली तो सारी इन्वॉल्व है ही। NDPS के केसेस और किडनैपिंग के, थेफ्ट के, स्नैचिंग के, मतलब हर तरह के केसेस में इन्वॉल्व है, तो इसका हम वहाँ पता करवा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में कितने लोग थे? क्वारंटीन सेंटर में जो टैंकी में इन्होंने ये नशीला पदार्थ डाला है उसके अंदर 3 मुलाजिम थे, एक सब इंस्पेक्टर हमारे एडिशनल हैं यहाँ पे अमृतपाल, और 2 मेरे गनमैन हैं कांस्टेबल रजिंदर और गुरपिंदर। वो भी क्वारंटाइन है वो? वो क्वारंटीन नहीं है, वो वहाँ पे उस जगह की देखभाल कर रहे हैं, कारण कि जब मेरे को COVID-19 में पॉजिटिव आई थी तो वहाँ पे हमारे सारे पुलिस कर्मचारियों को वहाँ पे क्वारंटीन किया गया था, तो उसको क्वारंटीन सेंटर एक तरह से बनाया गया है। और अगर कल किसी और, खुदा ना करे, किसी और पुलिस ऑफिसर को क्वारंटीन करने की जरूरत आती है तो हम वही उसी ना, जगह को यूज़ करेंगे, इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई गई। ये वहां पे रहते थे कैसे पता लगा इनको? ये रहते, उनकी ड्यूटी है वहाँ पे, नहीं ये तीनों जो ये इनकी तीनों कैसे? 2-3 कमरे छोड़ के वहाँ पे हाँ जी रहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। कोरोना वायरस की कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या फिर इलेक्शंस की, आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर हो, इलेक्शंस की खबर हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो या फिर वायरल वीडियो, सब मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए न्यूज 24।